तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। तुम लोगों को मेरी आवाज से तो पता चल ही गया होगा कि भाई मैं थोड़ा बीमार हूँ। मतलब जब भी मैं कुछ ऊंचा बोलता हूँ ना तो आवाज फट जाती जैसे ओह माय गॉड। और जब से यूनिवर्सिटी शुरू हुई है ना साला, एक तो सोने का टाइम नहीं मिलता, ऊपर से यूनिवर्सिटी और स्कूल वाले होमवर्क ऐसे पकड़ाते हैं जैसे अगर एक हफ्ता नहीं देंगे तो नौकरी चले जाएगी इनकी। अभी गर्मी से हालत खराब हुई होती है, बंदा काला स्याह होकर घर जा रहा होता है ये सोच के अब घर जाके चुप करके पंखे के नीचे ठंडे फर्श पर सोएंगे। बस फिर बंदा जैसे ही घर पहुंचता है ना याद आता है तुम्हारे कोडिंग वाले सर ने दो असाइनमेंट पिछवाड़े में देकर घर भेजे। पता नहीं ये क्यों लगता है कि भाई आवाम को पढ़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है, बिल्ला वजह की जिंदगी फारिग कर रखी है इन्होंने। खैर इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, आज हम फेसबुक और यूट्यूब पे फैलती बीमारियों के गटर में फिर से अपना सर डालने वाले हैं। तो भाई अपने अपने मास्क पहन लो मुंह पे, घर में किसी बंदे को अपने साथ बैठा लो क्योंकि हो सकता है आपको रोने के लिए किसी कंधे की जरूरत पड़े। अच्छा मुझे पता है अभी 5 सेकंड भी नहीं हुए वीडियो को, लेकिन कमरे के अंदर कौन ग्लासेस पहनता है? ऊपर से जितना बड़ा ये चश्मा है ना उतनी बड़ी तो भूती भी नहीं होनी तेरी। ये तो वही बात हो गई वो जो प्रिंस बिस्किट वालों ने नहीं शुरू किया हुआ। अच्छा भला मोटा चौड़ा बिस्किट होता है लेकिन जब तुम उसको अंदर से खोलते हो चॉकलेट चाटने के लिए तो बोतल के ढक्कन से छोटी चॉकलेट की टिक्की ठोंसी होती है अंदर। और ऐसे कामों में ना कोकोमो सबका बाप है भाई। ये कोकोमो वाले एड में ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ही तुम कोकोमो चुबाओगे ना तो चॉकलेट का सलाब बह जाएगा, लेकिन जब तुम चुबाते हो तो चॉकलेट के कतरे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और कुछ में तो कतरे दूर की बात हवाई भरी होती है खाली। অসুবিধা নাই, তুমি তো আমার সব, তুমি তো আমার। पता है मुझे ना इस दुनिया में कदम रखे हुए 19 साल हो गए हैं और जहां तक मैंने नोटिस किया ना 90% अवाम अपनी टुई सिर्फ हगने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन ये बंदा स्पेशल है। ये कोई एमवी बंदा नहीं है। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इसकी पैदाइश के बाद इसके गले में वैक्यूम क्लीनर फिट कराया गया था और यही वजह है कि आज ये बंदा अपने प्रेशर से कुर्सी मेज और खंभे जैसी चीजों को खींचता फिरता है। इसको कहते हैं बांग्लादेशी स्वैग। पता नहीं क्यों लेकिन इसकी आवाज सुन के ना मुझे डोरेमोन वाले सुनियो की याद आ गई। नाम अमर हीरो लोग चालीम दिल लगाए मोलों मार्गो बगड़ाई। अब मैं आपको एक मजबूर बंदे की कहानी सुनाता हूँ। एक राबिया नामी औरत दो गुंडों के बीच फंस चुकी है। गुंडे बहुत मजबूर थे और बात बात पर चिल्ला रहे थे। फिर शारी आ रही है। फिर उनमें से एक मर्द राबिया के पास पूरी हिम्मत के साथ गया और बोला, तुम्हारी मैं पिन्नी में जिबा फेरूंगा बेटी। राबिया बहुत डर चुकी थी लेकिन वो दोनों बाज नहीं आए और बोले, मेरी जान निकाल जाती है भाई। अब इनकी जान बचाने आएगा द वन एंड ओनली हीरो आलम। आलम भाई। हीरो आलम। ए एकने की होच्छे? आमी हीरो आलम थकते अमर एलाकाय तुरा इसकी आवाज और सेहत देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये दो बंदे ना लड़की का नहीं हीरो आलोम का रेप करने आए हैं। साइज डिफरेंस देख रहे हो तुम लोग? जितना बड़ा हीरो आलोम है ना उतना बड़ा तो डिल्डो होना इस बंदी के पास। ऊपर आसमान नीचे माटी तोदर मुखे अमार चोटे। ऊपर आसमान नीचे मिट्टी तेरी भूती में मेरी जूती। वाह, सबसे पहले तो तालियां बजा दो ना इसके लिए। अब मेरा सुनो, ऊपर आसमान नीचे मिट्टी जो ना नाचा ओदी पैंदी। यार मेरे फिर गाली छोटे यार बच्चे फिर गाली गाली के अलावा वीडियो बना यार। फिर गाली यार गाली ना दे, गाली के अलावा वीडियो बना सकते हैं। गाली के अलावा भी वीडियो बन सकते हैं। यार भी वीडियो बन सकते हैं यार। साथ फिर गाली गाली के अलावा वीडियो बना यार। मेरे छोटे छोटे बच्चे चुप बैठो चुप। मुझे नहीं पता था लड़ाई करने से पहले अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। और इसकी सेहत देखकर तो वैसे ही लग रहा है कि साला अपने आप को बड़ी मुश्किल से उठाता होगा। साले तेरे ऊपर कोई कागज की गेंद भी फेंक देना तब भी तूने फौत हो जाना, कम से कम प्रोटेक्शन के लिए अपने ऊपर कपड़े तो पहन ले। फाइट सीन के दौरान तेरा गुब्बारा फट के गिर जाएगा, तुझे अच्छा लगेगा? जो भी इस फिल्म का डायरेक्टर है ना उसे 4 हरामी कुत्तों के साथ कमरे में बंद कर दिया जाए, शर्त यह है वो मरना नहीं चाहिए। अबे किसी को सूखी पैंट मारने से किसी की फट के हाथ में नहीं आया थी भाई। चलो उसे छोड़ो, पैंट तो उसे लगी भी नहीं और कैमरा भी बिल्कुल उस जगह फिट किया जहाँ पे साफ साफ नजर आए कि पैंट उसे लगी नहीं है। ऐसे नुन्नू किस्म के प्लेस ना स्कूल के बच्चे करते हैं ऑडिटोरियम में बैठ के।
अभी बंदा जिप तो बंद कर लेते, तू बांग्लादेश का सबसे सेक्सी बंदा है भाई। और ये क्या भाई, धोती के नीचे नीली पिंडी बॉय पैंट पहन रखी है, मतलब ड्रेस पैंट के नीचे धोती, धोती के नीचे ब्लू पैंट, और ये सब पहनने के बाद भी इसकी टांगे कम टुटमे की ज्यादा लग रही है। अच्छी भली फिल्म चल रही थी, फिर इस बंदे ने मरने का फैसला ले लिया। अभी जिस चीज की एक्साइटमेंट दे दी है शुरू में, तो उसे फ्लॉप तो ना करो भाई। ये तो वही बात हो गई, आईफोन 7 बंदा खरीदे और जैसे ही इसको खोले ना, तो बीच में से 3GS निकले, वो भी 8GB वाला। और यकीन मानो 90% आवाम का ना वीडियो की स्टार्टिंग देखने के बाद कुछ ऐसा हाल हुआ उन्हें। या तो कोई कीड़ा काट गया इसे, या तो खारिश हो रही है इसको, या तो किसी ने ठंडा पानी फेंक दिया। तेरे लिए दिल तो है क्या, हाँ तेरे लिए दिल तो है क्या, जा भी लुटा दूँ जाने मन। मैंने ना अपनी जिंदगी में काफी कुछ देख लिया, लेकिन ना ये देखने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपनी आंखें मरने के बाद डोनेट कर दूंगा। चलो मरने को छोड़ो, अभी ले लो, मुझे चाहिए ही नहीं। मतलब चुम्मा चाटी करो, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन ऐसे गर्दन में दांत घुसेड़ने का क्या सीन है भाई। यार ये पोजीशन देखने के बाद हमारा एक बार मरना तो बनता है। इसका ये स्टंट देखने के बाद ना ऋतिक रोशन को जूते मार के अगली क्रिश मूवी से निकाल दिया उन्हें। और इन दोनों के अंदर ना सेम खूबी है, हीरो आलम अपने प्रेशर से कुर्सियां खींचता है, और ये मैडम अपने प्रेशर से पूरा पूरा बंदा ही खींच देती है। होता है जो हो जाने दो, होता है जो हो जाने दो, छोड़ो हया अरे छोड़ो शर्म। अभी तेरी तरबूज है नहीं, फिर भी तू मिल्क शेक वाला स्टेप कर रहे है। और ये जब हीरो आलम तेरे साथ मौजूद है और दूर दूर तक खेतों में कोई और है ही नहीं, तो तू दरख्त के साथ की शुरू ही पड़ी है। अभी हीरो आलम की इतनी भी कम वैल्यू नहीं है कि भाई तूने उसको छोड़ के दरख्त के साथ ड्राई हम्पिंग शुरू कर दी है। कसम से ये सीन देखने के बाद ना मैंने रियलाइज किया कि यहाँ तक के दरख्त तक मेरे से बेहतर जिंदगी गुजार रहे। अरे वाह, अब दरख्त के साथ थ्रीसम भी शुरू कर दिया। यकीन मानो इस पूरी वीडियो में मैडम ने ये मिल्कशेक वाले स्टेप के अलावा और कोई स्टेप नहीं किया। हीरो वालों पे हेट मत देना यार, वो अपना काम कर रहा है, अपने ख्वाब पूरे कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं। देखो हर अगली बच्ची इसके पीछे भाग रही है। और यहाँ कभी किसी ने नोटिस ही बड़ी मुश्किल से किया उन्हें। अच्छा भला फनी कमेडियन है भाई ये, नहीं कसम से हीरो आलम अकेला ऐसा बंदा है जिसको देखे ना मुझे यकीन हो जाता है कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी पा सकता हूँ, मतलब कुछ भी। लेकिन साथ में ये भी कहूंगा कि इसकी मैंने एक और वीडियो गलती से भी मजीद देख ली ना, तो भाई मैं आज मर जाऊंगा, अभी से मर जाऊंगा। और मुझे पता है वीडियो थोड़ी लेट है, बल्कि काफी लेट है। 2 हफ्ते से बुखार हुआ था, नींद पूरी नहीं हो रही थी, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था, बिप्पियां देख देख के थक चुका था, लेकिन अब I'm back। अब अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, एम करते हैं 2,69,69,69 लाइक्स के लिए। और अगर पहले नहीं फेंका हुआ तो सब्सक्राइब बटन पे थूक फेंक दो, और अगर थोड़ी सी थूक बच गई है उसे बेल आइकन पे फेंक दो। और वैसे भी अपनी टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो पर हर लाइक मारने वाले को एक तो साइकिल देंगे, और सब्सक्राइब करने वाले के अबू के लिए एक बाइक देंगे हम। लिंगो मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब जबान, जबान मतलब बोली, बोली मतलब तकिया कलाम। बात होगी खुल के, बात होगी सरेआम, बातें होंगी गंदी और लोग होंगे बदनाम, जैसे कि वो जो बात बात में इंग्लिश घुसाते हैं। डू यू ईट गर्ल्स, क्या आप बच्चियां खाते हैं? यू स्नैच माय माउथ टॉक, मेरे मुंह की बात छीन ली, उर्दू और इंग्लिश का सेक्स करवाते हैं ये मेनली। कराची में हर दूसरा टट्टू मूछे रख के बैठा था, और देता है जैसे मौला झटका। ना जायज बेटा ऐसे बुढ़े जो बॉल के बहाने छत्ते बुलाते हैं, और अंधेरी रातों में गंजे कबूतर दिखाते हैं। इन लोगों को हम कहते हैं क्या, लौंडे बाज, इसलिए क्योंकि नहीं आते ये।
लौंडे बास लिंगो मेरी गंदी रैपरां दी पैंदी एक्सटेसी को कैंडी और शरीफों को लैंडी ए टू द ए टू द आर टू